हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप होंडा बाइक के लवर हैं तो आपने होंडा के सीबी यूनिकॉर्न 150 सीसी के बारे में तो सुना ही होगा। ये बाइक बहुत समय तक मार्केट से लगभग गायब ही हो गई थी, अता पता नहीं था इस बाइक के कि मतलब ये किधर है। तो दोस्तों, मतलब ये अब ये कुछ दिनों में ये आ चुकी है फिर से वापस मार्केट में, पर ये अब आई है अपने साथ कुछ बदलाव लेकर भी। इस बाइक में अब हमें दोस्तों डिस्क विद ABS मिलने लग गई है, और वो जो ABS है वो हमें सिंगल चैनल ABS मिलेगी, क्योंकि आपको पता है जैसे कि 150 सीसी सभी अबव वाली बाइक्स में ABS मैंडेटरी कर दी गई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इस बाइक के बारे में सब कुछ हम बताएंगे, इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस, इसके जो भी आपको कलर्स मॉडल जो भी आपको मिलते हैं हम इसका आपको एक डिटेल्ड रिव्यू देने वाले। और अगर आप इस बाइक को ख़रीदना चाहते हैं तो आप कृष्णा होंडा में विज़िट कर सकते हैं। यहाँ का एड्रेस और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी हमें तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, यूज़र आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, और आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए करेंगे। चलिए अब दोस्तों इस रिव्यू को इधर ही स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस बाइक के एक्सटीरियर्स की बात कर लेते हैं। इस बाइक को अगर आप फ्रंट साइड से देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लासी लुक देखने को मिलेगी। फ्रंट में आपको एक छोटा सा वाइज़र देखने को मिल जाएगा ब्लैक कलर का, जिस पे आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, और उसके नीचे आपको क्रोम गार्निशिंग देखने को मिल जाएगी, और आपको एक हैलोजन बल्ब मिल जाएगा इसका नीचे। आप देख रहे हैं इसका मतलब बल्ब काफ़ी मतलब दिखने में बड़ा है, और आपके कुछ नॉर्मल इंडिकेटर्स भी इस तरह के देखने को मिलेंगे, और आप देख सकते हैं इसका मडगार्ड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस बाइक के अगर हम टैंक की बात करें, आप देख सकते हैं इसका टैंक कुछ आपको काफ़ी मस्कुलर देखने को मिलता है। उस पर आपको एक होंडा का लोगो देखने को मिल रहा है, और साथ में आपको अपने थाइस रखने के लिए काफ़ी स्पेस भी यहाँ पर दी गई है, जिससे मतलब आपको रेस्ट दे सकते हैं अपनी थाइस को। और आप देखेंगे इसका फ्यूल कैप आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा, ये मतलब इधर से ही ऑन ऑफ की करने के लिए है, और आप देख रहे कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएंगी। आप दूसरी साइड से भी टैंक को देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। इस बाइक की अगर हम सीट की बात करें तो आपको सिंगल सीट इसमें देखने को मिलेगी, जो दोस्तों काफ़ी सॉफ्ट है। इस पर आप आराम से 2 से 3 बंदे बैठ सकते हैं, पर वैसे दोस्तों बाइक बनाई जाती है सिर्फ 2 बंदों के लिए। बहुत सारे मतलब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि इस पर 3 लोग बैठ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं बाइक हमेशा 2 लोगों के लिए बनाई जाती है। देखेंगे आप नीचे आपको सीबी यूनिकॉर्न की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो आपको स्टिकर टाइप ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं, जो थोड़ा ग्लोसी फिनिशिंग के साथ है, काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। और आप देखेंगे राइडर की सीट के नीचे मोनो सस्पेंशंस की आपको ब्रांडिंग दिख रही है, और नीचे HETBS4 होंडा इको टेक्नोलॉजी भारत स्टेज 4। इस बाइक का दोस्तों एग्जॉस्ट आपको कुछ देखने को मिलेगा, फुली ब्लैक कलर की मैट फिनिशिंग में आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं कुछ आपको इसमें सिंगल बैरल एग्जॉस्ट ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें इस बाइक की, तो आपको फुली एनालॉग देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको RPM लिमिट देखने को मिल जाएगी, इधर आपको स्पीडोमीटर दिख जाएगा, और 2 ट्रिप मीटर आपको दिख जाएंगे, एक रीसेट बटन भी है, फ्यूल गेज, न्यूट्रल, साइड इंडिकेटर्स, और आपको लो बीम हाई बीम जैसे इंडिकेटर्स, आपको बहुत सारे इसमें ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं इस बाइक के अगर हम स्विचेस की बात करें, स्विचेस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सभी स्विचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। स्विचेस की क्वालिटी की बात करें तो वो भी आपको काफ़ी बेटर क्वालिटी देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर राइट साइड में एक सेल्फ देखने को मिल जाएगी। अब आप इस बाइक के हैंडल बार की भी लुकिंग देख सकते हैं, दूर से आपको काफ़ी क्लासिक हैंडल बार लुकिंग देखने को मिलेगी, ज़्यादा कुछ स्टाइलिश आपको नहीं दिखेगी इसमें कुछ इस प्रकार की। दोस्तों, इस बाइक की अगर हम बैक साइड से लुकिंग की बात करें, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लुकिंग है, काफ़ी नॉर्मल आपको लाइक CB शाइन या फिर CB शाइन SP की तरह ही देखने को मिलेगा। आपको इस तरह का कुछ इसमें बैक पिलियन ग्रैबरियल देखने को मिल जाएगा, जो आपको काफ़ी बड़ा है, पिलियन को भी काफ़ी कंफर्ट मिलेगा इससे। और इंडिकेटर्स देख रहे हैं आपको कुछ नॉर्मल देखने को मिलेंगे, और एक लाइट रिफ्लेक्टर काफ़ी बड़ा सा देखने को मिल जाएगा, और आप देख सकते हैं बैक टेल लाइट, और इधर आपको एक नंबर प्लेट देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस बाइक की आप एक बार दूर से देख सकते हैं राइट साइड से किस तरह का देखने को लगता है।
आपको हमने पास से तो सब कुछ दिखा दिया, आप एक बार दूर से भी देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ये बाइक आपको किस तरह की लग रही है। लेफ्ट साइड से भी आप देख सकते हैं इस बाइक को, आपको ये किस तरह का लग रहा है। दोस्तों इस बाइक की अगर हम इंजन की बात करें तो हमें इसमें सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक SI इंजन देखने को मिलेगा, जिसकी डिस्प्लेसमेंट 149.2 cc पर बेस्ड है। ये 150 cc का इंजन है, 12.91 PS की पावर जनरेट करता है RPM पर। इसकी अगर मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 12.80 न्यूटन मीटर की ये टॉर्क जनरेट करता है 5500 RPM पर। दोस्तों हमें किक और सेल्फ दोनों ही मॉडल में देखने को मिल जाएगी। ये एयर कूल्ड इंजन है। इस बाइक में फ्यूल डिलीवरी हमें कार्बोरेटर के थ्रू होती है और इसमें हमें 5 गियर्स देखने को मिल जाएंगे। और ये 0 to 100 की इसकी अगर हम पिकअप की बात करें तो ये लगभग 18 से 19 सेकंड लेता है ये 0 to 100 जाने। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस बाइक के सबसे बड़े बदलाव की, जो है इसकी ब्रेकिंग में। इसमें अब हमें सिंगल चैनल ABS देखने को मिलती है। इस बाइक की अगर हम फ्रंट ब्रेकिंग की बात करें, इसमें हमें 240 mm की डिस्क विद सिंगल चैनल ABS मिल जाएगी, जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह की राउंडेड शेप में आपको देखने को मिल रही है। और इस बाइक के ये तो हुई बात फ्रंट ब्रेकिंग की। रेयर ब्रेकिंग की अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमें 130 mm की ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको, मतलब इसमें ये भी ठीक ठाक ही देखने को मिलेगी, ज़्यादा कुछ एक्ट नहीं कर सकते हम। एंड दोस्तों इस बाइक के अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो वो भी आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो आपको डाउन साइड वाले देखने को मिलेंगे। आप देख रहे हैं जैसे कि इसकी भी क्वालिटी काफ़ी बेटर कंपनी की तरफ से दी गई है। और दोस्तों अगर हम रेयर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें हमें स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, जो मतलब काफ़ी रेसिंग बाइक्स में देखने को मिलते हैं, तो हमें इस बाइक में भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इस बाइक की अगर हम टायर साइज़ की बात करें तो दोनों ही हमें 18-18 इंचज़ के टायर आएंगे, फ्रंट एंड रेयर। जो दोस्तों इसमें टायर्स है दोनों ही हमें ट्यूब वाले टायर देखने को मिलेंगे विद अलॉय व्हील्स, हमें दोनों में देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख रहे हैं इसके टायर्स की लुकिंग, रेयर वाला टायर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं मतलब काफ़ी मतलब ब्लैक कलर के अलॉयज़ के साथ स्टाइलिश लगता है इसका टायर। अब हम आपको इसका फ्रंट टायर दिखा रहे हैं कुछ इस तरह का, ये भी आपको 18 इंचज़ का ही देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस बाइक की अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलती है। इस बाइक के दोस्तों अगर हम सीट हाइट की बात करें तो 780 mm की सीट हाइट है, और इस बाइक में हमें 145 kg का वेट देखने को मिल जाता है। बाइक अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 13 लीटर इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इस बाइक में हमें 3 कलर्स दिए जाते हैं, रेड, ग्रे एंड ब्लैक। दोस्तों इस बाइक की कम प्राइसिंग है अराउंड 86,000 to 87,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है, तो आप अपने अपने शोरूम सिटी के शोरूम में जाके पता कर सकते हैं। अगर आप इस बाइक के बारे में कोई क्वारी करना चाहते हैं, कोई भी क्वारीज अगर आपकी हो तो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। अगर आप इस बाइक को ख़रीदना चाहते हैं तब भी आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो आपको किस तरह की लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूले, हमारे को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा ले, और हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर ले। वहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वारीज है, कुछ भी मतलब आपके चैनल के रिलेटेड या बाइक्स के रिलेटेड, तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। जय भारत।